बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी जारी किया, जिसमें मायावती ने कहा कि मौजूदा चमचा युग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन पर डटे रहना बहुत बड़ी बात है। बसपा अपने आंदोलन के दम पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों को लाचारी की जिंदगी से निकालकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के बसपा के संघर्ष के दृढ़ संकल्प के साथ लगातार डटे रहना ही कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि है। मायावती ने कहा कि वास्तव में वर्तमान में जारी चमचा युग में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन पर अपने खून पसीने से अर्जित धन के बल पर डटे रहना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है जो बीएसपी के आंदोलन की ही देन है और इसके बल पर ही बसपा ने खासकर यूपी में कई ऐतिहासिक सफलताएं भी अर्जित की हैं। आगे भी हमें हर हाल में अपने उसूलों के साथ संघर्ष में लगातार डटे रहना है। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मानवतावादी अभियान को जीवंत बनाने के लिए पूरी जिंदगी कड़ा संघर्ष किया और कई कुर्बानियाँ दी। इसके बल पर बसपा ने काफी सफलता अर्जित की और देश की राजनीति को नया आयाम दिया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की आज 88वीं जयंती है। कांशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक नहीं हो, लेकिन उन्होंने दलितों को और भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में दलितों का राजनीति में सक्रिय होने का श्रेय कांशीराम को ही जाता है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल एक ही सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। 290 सीटों पर तो पार्टी के उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो यूपी में संगठन में बदलाव कर सकती है।